डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो पूरा कर लिया है। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो कुछ न्यूमेरिकल्स है, इस पर हमने देखे थे कल भी, और एक सवाल आपसे पूछा गया था कि यदि हम किसी दो गोले हैं जो समान आकार के, यदि इनको हम एक को लगातार हम क्या करते जाते हैं, एक को तो ऋणावेश दिया जाए और एक को धनावेश दिया जाए, तो दोनों में आकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, ऋणावेश का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ग्रहण करता जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इंक्लूड होता जाएगा, तो उसका आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जबकि धनावेश के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या होता जाएगा, उसका आकार छोटा होता जाएगा। तो आंसर आपको मिल गया होगा कि ऋणावेश का जो आकार होता है वो तो होता है बड़ा, जबकि धनावेश का आकार जो रहेगा वो क्या होता है, छोटा होगा। तो ये इसका प्रोसीजर है, और अभी हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स कुछ इम्पोर्टेंट, जिसके अंदर कौन कौन से मुख्य इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो हमें देख लें, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अबकी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पहले वो हम देख रहे हैं, इस साल जो पेपर हुआ था फिजिक्स का 2020 का, उसमें जो क्वेश्चन आया है वो हम देखते हैं क्या है। देखिए, इनमें सब में एक पॉइंट रहेगा कि आपको सारे एक तो फॉर्मूले पता होना चाहिए, कि जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं तो साथ साथ आप एक फॉर्मूले को लिखते चले एक साथ, और फिर इनको समझना है कि किसमें क्या तरीका लगाना है जिससे हमें न्यूमेरिकल जो है आसानी से आ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप आगे जाकर के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल जो होता है फिजिक्स में वो न्यूमेरिकल का ही रहता है, इसलिए ज्यादा फोकस जो होना चाहिए वो किस पे रहना चाहिए, न्यूमेरिकल पे होना चाहिए। तो आइए समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स कुछ। इस बार जो पेपर में आया सवाल वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे रखा है, आवेश का मान है इलेक्ट्रॉन, त्रिज्या रेडियस दे रखी है उस पथ की 0.1 मीटर के पथ पर त्रिज्या पर चक्कर लगा रहा है, और अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर, अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है अपने को, रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल हो जाएगा एकांक लंबाई पर, इसका मान अपने को दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे द्रव्यमान दे रखा है इलेक्ट्रॉन का ये है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने इतने टॉपिक पढ़े, अभी इससे हम सेकंड चैप्टर पूरा पढ़ते हैं, कहीं पे भी विभव मतलब वेग का जिक्र कहीं नहीं है कि वेग कैसे निकाला जाए, तो अब इन प्रोसीजर को समझना और कैसे ये सॉल्व होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए क्या करना है इसमें, इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, इसके रेडियस जो है वो कितनी, 0.1 मीटर, ठीक है, इस पर ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर पथ पर जब चक्कर लगाएगा तो इसके ऊपर कौन सा बल लगेगा, आपको पता है कि वृत्ताकार पथ पर जब चक्कर लगाता है तो एक बल लगता है जिसका नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल होता है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, वो होता है F बराबर सूत्र। आप जानते हो 11वीं क्लास में पढ़ते गए हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा तो अभिकेंद्रीय बल लगेगा केंद्र से, तो उसका मान जो होता है वो होता है mv² / r। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो यहाँ पर द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक वेग का व्यंजक है, वेग का ये द्रव्यमान है, ये v वेग है, r रेडियस है, तो अपना काम हो जाएगा यहाँ से शायद कि हमें क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन के वेग का। अब कन्फ्यूज करने के लिए इस सवाल के अंदर हमें क्या दे दिया, इसने बोल रहा है कि इसकी तुलना इस सवाल के जो 11वीं क्लास का ये पैटर्न है उसकी कंपैरिजन इसने कहां कर दी। यदि रेखीय आवेश घनत्व का मान दे रखा है, अब अपने को लैम्डा का मान दे रखा है, मुझे कि लैम्डा इज इक्वल टू दे रखा है अपने को कितना, 10^-6 कूलम पर मीटर दे रखा है, ठीक है। अब आप देखिए कि इसका हम यूज कैसे करेंगे, तो रेखीय आवेश घनत्व है, तो रेखीय आवेश घनत्व वहां पे आपने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी एकांक लंबाई के तार के कारण, ठीक है, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको पता हो तो कितना आया था रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, लैम्डा अपॉन 2πr εr आया था। आप देखिएगा पीछे वाले पॉइंट में हमने जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि अनंत रेखीय आवेश तार के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है वो कितनी आती है, लैम्डा अपॉन 2πr εr, जहां लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, आर रेडियस, ये तो आपको पता ही। अब देखो हमें इनके सबकी अलग अलग वैल्यू रखनी पड़ेगी, इससे बढ़िया हम क्या करते हैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये बदल के देखो 2 लैम्डा अपॉन 2 × 2 कितना हो गया 4πε0, इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ 4πε0, और साथ में आर को बाद में देते हैं। अब आपको पता है कि k की वैल्यू कितनी होती है,
हमने जब इसमें पढ़ता है फर्स्ट चैप्टर में k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हम इस पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, k लिख देंगे। ठीक है, तो k इसमें रखिए तो क्या मान आएगा अपने पास, e इज इक्वल टू 2 k लैम्डा अपॉन r। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ गया, अब हमें निकालना है बल, पर हम देखो यहाँ पर एक की तो तुलना कर पा रहे हैं लेकिन दूसरा बल भी लगाना पड़ेगा। जब इसको आवेशित किया जाएगा तो आवेशित करने से क्या होगा, इसके ऊपर एक बल भी लगेगा और उस बल का मान F इज इक्वल टू, आप जानते हो कि विद्युत बल हम पढ़ते हुए आए हैं, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल लेते हो वहां पर आसानी से किसका मान निकाला जा सकता है, विद्युत बल का। एफ इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई, ये आपको बता दिया फर्स्ट चैप्टर में। अब क्यू जो है वो तो है इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, और ई का मान आप निकाल चुके हैं 2k λ/r। ठीक है, तो मैं इसको नंबर देता हूँ 1 और ये नंबर देते हैं 2। ये तो अभिकेंद्रीय बल इसलिए आ रहा है कि विकेंद्र के वर्ता का पथ पर चक्कर लगा रहा है, इसलिए अभिकेंद्रीय बल लगता है। और दूसरा ये विद्युत बल जो हम पढ़ते हुए आए हैं तो यहाँ से अपने पास आ गए ये मान। अब देखिए हम दोनों की क्या कर लेंगे, तो दोनों ही बल के व्यंजक है, दोनों की तुलना करेंगे और मान किसका निकालेंगे, वेग का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं आगे, अब यहां से देखिए F इज इक्वल टू एन, दोनों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 2 ई इंटू 2 के लैम्डा अपॉन आर। देखिए मैं हम चाहते तो यहाँ पे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि वैल्यू जो होती है के की वो सीधा होता है, अपने को पता है के की वैल्यू 9 × 10^9 होती है, वरना आप 2 रखते पाई की वैल्यू रखते फिर एप्सिलॉन नॉट रखते और फिर इसको सॉल्व करते तो इतना प्रॉब्लम आने वाला था, फिर एक में भाग देते, इससे बढ़िया है कि हम इस टाइप से इसको सॉल्व कर दें। अब क्या होगा, देखिए आर से आर तो कैंसिल आउट हो चुका, ठीक है हमें आर के पथ की तो जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ से क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 के लैम्डा, ठीक है ये तो रहेगा साथ में ई भी है, अपॉन में क्या जाएगा एम, और यहाँ से स्क्वायर टाइम तो उसका क्या जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखिए और आपको आंसर फाइंड करना कितना आएगा, तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए 2 तो है, के की वैल्यू होती है आपको पता है 9 × 10^9 इंटू लैम्डा, लैम्डा रखिए आप इस घनत्व दे रखा है 10^-6। ई का मान आपको पता है 1.6 × 10^-19 होता है, अपॉन एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दे रखा है 9 × 10^-11। तो जो वैल्यू सॉल्व होती है उनको सॉल्व कीजिए और बाद में रूट निकालिए तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये −19 और −6, माइनस का 25 है और नीचे कितना है 31, तो देखिए 25 और ये 31 कट करके कितना जाएगा -6। ठीक है, ये -6 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा और 9 से कितना हो जाएगा 15, और बाकी को आप सॉल्व कर लीजिए वो इसका आंसर आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आंसर आपको निकालना है किसमें आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये तरीका रहेगा, आसानी है क्वेश्चन तो, लेकिन समझने का पैटर्न है थोड़ा सा वो थोड़ा डिफरेंट रहता है कि आप कितना यहाँ से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप से इस सवाल को सॉल्यूशन करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एक आवेश साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान दिया है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व मैंने मैं आपको जैसे जैसे सवाल चलता है आप देखिए जहां पे भी एक लाइन खत्म होती है ना, किसी भी सवाल को ज्यादा पढ़ने से ज्यादा समझने का मतलब ये होता है कि आप पहले एक लाइन जहां पे खत्म हो जाती है उस लाइन को अच्छे से पढ़े और जो लाइन कहना चाहता है मतलब इसके अंदर क्या बताना चाहता है उसको आप नोट कर लीजिए। तो हम इसमें नोट कर लेते हैं पहले, और इसका आंसर देने का तरीका भी यही होता है। तो एक भी साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है, तो हम लिखेंगे कि पृष्ठ आवेश घनत्व का मान हमें दे रखा है। अब पृष्ठ आवेश घनत्व को आप कैसे दर्शाते हैं आपको खुद को पता होना चाहिए, तो सिग्मा से हम दर्शाते हैं इसको, बराबर दे रखा है अपने को 2.96 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर दे रखा है कि साबुन की घोले का जो पृष्ठ तनाव दे रखा है अपने को, इसका घोल साबुन का जो घोल बनाया गया उस पर एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल है यानी कि पृष्ठ तनाव, उसका मान अपने को दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं कि पृष्ठ तनाव उसका मान अपने को कितना दे रखा है, टी से शो करते सरफेस टेंशन को, और वैल्यू कितनी दे रखी है 4 × 10^-4 न्यूटन पर मीटर। बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमें रेडियस फाइंड करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है बुलबुले की,
तब क्या करनी है, जब दावा देके सुनने हो, यानी कि दावा देके सुनने होने का मतलब आप देखिए, अब हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि हम पहले तो उसको फॉर्मूले को एक तो हमें याद करना पड़ेगा, काफी सोचना पड़ेगा कि रेडियस की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, या फिर इससे बढ़िया है कि आप ना संतुलन की शर्त में आप देखिए, हमने एक सीधा संबंधक प्राप्त किया था, इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी हम लिखा था कि संतुलन में रहे या दावा देके सुनने होता है, तो संतुलन की स्थिति में हमने देखा था दाब, हमने दो टाइप के दाब लिए थे, एक तो कितना दाब लगता है इस बुलबुले पर, हमने देखा था कि 4T/R, ठीक है, इतना लगता है बराबर विद्युत दाब का जो मान होता है वो आपको पता है कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2 ε, ठीक है, तो हमने ये विद्युत दाब है और ये है, तो दोनों का हम लेकर के चले थे वैल्यू आपको पता हो, देखो हमने यहाँ पे लिखा था एक तो दाबा दिखे, फिर हमने लिखा था प्लस विद्युत दाब इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू, हमने लिखा था 4T/R, जब ये एक्सेस प्रेशर जो होगा उसका मान शून्य हो जाता है तो ये यहाँ से उधर चला जाएगा, इसको जीरो कर दो, तो पी इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 4T/R था, और इस इलेक्ट्रिक दाब का जो वैल्यू है आप देखिए सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना था 2 ε, तो इन दोनों की कंपेरिजन करके हम यहाँ से मान, ठीक है, इससे ये निकाला हुआ है, या फिर आप सीधा सीधा एक काम कीजिए कि साबुत का जो बुलबुले की पॉइंट बनाया गया था उस पॉइंट में जाइए और वहां से रेडियस की वैल्यू है वो फाइंड कर लीजिए, तो देखो हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो आर का मान ज्ञात करना है, तो बाकी टर्म को सॉल्व कीजिए, तो आर को ले जाते हैं इधर, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये तो हो गया 8T/ε, और ये सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा नीचे, ठीक है, आ गया आंसर, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8T का मान जो है वो कितना है 4×10⁻⁴ −4 ε0 की वैल्यू आपको बताइए 8.85×10⁻¹² अपॉन में सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा कितना दे रखा है ये तो 2.96 का और स्क्वायर, वैल्यू का सर्व कीजिए आंसर प्राप्त कीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, तो सिंपल सा है, खाली आपको समझना है कि क्या क्वेश्चन दिया गया है, कैसे एक एक लाइन के अंदर उसको समझना है, फिर उसके बाद में उसका सोल्यूशन प्राप्त करना है, तो ये दूसरा क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा, आंसर सभी का आपको ज्ञात करना है और साथ में अपनी नोटबुक में इनको सबको नोट करना है, जो भी क्वेश्चन होता जाए उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से उतारने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है थर्ड, एक अपरिमेय चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है अपने को, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा, तो हमें वही करना है काम, पहले नोट कर लेते हैं कि जो दिया है, तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा का मान अपने को दे रखा है 4×10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर है, पट्टिका के निकट एक आवेश दे रखा है यानी क्यू का मान दे रखा है आपको कितना है 2×10⁻⁶ कूलम रखा गया है, आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए, तो आप देखिए हमने विद्युत बल पढ़ा था, जब आवेश की बात आती है तो विद्युत बल हम पढ़ चुके हैं क्या होता है F=Q×E, ठीक है, अब आपको दे रखा है कि क्या दे रखा है चालक, और चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो कितना होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे और अपना पास आंसर किसका जाएगा F का, देन हम देख सकते हैं F इज इक्वल टू क्या आएगा Q×E, Q का मान तो अपने को दे रखा है 2×10⁻⁶ और E का मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो देखो 2×10⁻⁶ सिग्मा का मान कितना है ये दे रखा है 4×10⁻⁶ और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85×10⁻¹², सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए, तो सिंपल सा तरीका है, कोई ज्यादा कोई स्टफ नहीं लग रहा होगा आपको और इजी से समझ में आ रहा होगा, तो ये तो सारे क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले बेस्ड की है, खाली समझने का तरीका है कि किस टाइप से हमें इनको सॉल्व करना है, आई होप क्लियर हो गया होगा, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीन शॉट लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट करना, देखिए अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोर्थ क्वेश्चन, कि एक 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है, 10 सेंटीमीटर का गोला है, ठीक है, तो ये गोला ले लेते हैं हम, इसका आकार जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, ये मैंने 10 सेंटीमीटर लिख दिया, गोले को समान रूप से आवेशित किया गया यानी इसको चार्ज किया गया, ठीक है, ये आ गया,
ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो कितना रहे। सतह पर दे रखा है, अब आप जानते हो कि सतह पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आएगा वो कितना आएगा, E=1/KQ/R होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ KQ/R आएगा, कहाँ पर, सतह पर, सरफेस पे। तो E सरफेस हम लिखेंगे KQ/R होता है, जबकि फिर क्या दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि इसका मान अपने को बता रखा है 5×10^5। तो सरफेस पर 5×10^5 KQ/R, ठीक है। रेडियस आपको दे रखी है कितने सेंटीमीटर, 10। इसको हम बाद में नोट करेंगे, मैं इसको एक बार एक पॉइंट देता हूँ। फिर ये बोलता है कि गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर, अब 25 सेंटीमीटर का बाहर हो गया, और 25 सेंटीमीटर बाहर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी जाएगी आउटसाइड, वो भी होती है KQ/r आ जाता है, ठीक है। KQ/r यहाँ पे देखा ना, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एक मिनट देखते हैं, कुछ बनाएंगे, KQ/r² होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना KQ/r² लिखना है, आउटसाइड कितना हो जाएगा KQ/r², आप देखिए हमने वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी चालक के कारण, एक तो पृष्ठ पे और पृष्ठ के बाहर, चालक हो या अचालक दोनों के सेम ही रहता है। तो ये कंडीशन अपने पास आ गई, इसको मैं नंबर देता हूँ 2, ठीक है। तो आउटसाइड पे मान कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर मान दे रखा है 5×10^-2, और साथ में देखना इनकी वैल्यू आवेश दे रखा है, सॉरी गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, ये इसका ई आउटसाइड का मान नहीं है, इसको तो हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे। क्यू का मान दे रखा अपने को कितना, 5×10^-2 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदल देंगे, माइनस का 6 कूलाम। आवेश पर बल का मान ज्ञात कीजिए, अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल आर का मान अपने को पता ही है कितना है। तो आप देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आप निकालना चाहते हो, किसकी वैल्यू आएगी, तो अपने को ये सॉल्व करना है कि यहाँ से आप विद्युत क्षेत्र का मान निकाल करके देखिए, अपने पास ऐसा वैल्यू है के का मान अपने को पता है 9×10^9 होता है, आर की वैल्यू जो अपने को दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रखेंगे इसके अंदर, उसको मीटर में कन्वर्ट करके ये आउटसाइड का मान निकालेंगे, और इस पर हम किसका मान निकालेंगे, विद्युत बल का। और आपको पता है ये मान कैसे आने वाला है, तो वो यहाँ से हमें समझना है, तो यहाँ से क्यू का मान निकालने वाला है, ओके। अब एक काम करते हैं, इसमें अपन इसमें भाग देते हैं एक दूसरे में, समीकरण इसको नंबर 2 दे दीजिए और इसको 1, तो 2 में आप 1 का भाग दीजिए, 2/1 से आपके पास E आउटसाइड तो है, अपॉन क्या हो जाएगा, E सरफेस का मान कितना है, 5×10^5 बराबर ये मान रखिए K×5×10^-, कितना हो जाएगा, 2×6 - 8 अपॉन R स्क्वायर, एक बार ऐसा कैसा रख लेते हैं, और अपॉन में भाग किसका देना है, इसका KQ/r² का, तो KQ/, देखो Q सेम ही है, सेम ही चार्ज दे रखा है दोनों पर, गोले के केंद्र से इतनी दूरी पर आवेश दे रखा है ये, तो आवेश भी सेम ही है, 5×10^-8 अपॉन दूरी दूसरी है, ये लिख देते हैं R², ठीक है। तो घटने वाला क्या है, के से के, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास R² तो चला जाएगा ऊपर और स्मॉल R² जाएगा नीचे, तो E आउटसाइड की जो वैल्यू आएगी इक्वल टू कितने आएगी, R² / r², ये तो हो गया ये, और ये तो भाग में उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5×10^5, ठीक है। अब कैपिटल R का मान रखिए कितना है, और स्मॉल R का मान देख लीजिए कितना है, तो कैपिटल R तो है 10 सेंटीमीटर, और इसका मान कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो देखो क्या होगा, 10 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 25 का स्क्वायर, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से आप ई आउटसाइड का मान निकाल लीजिए, और इसके कारण बल की गणना करनी है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र जब आ जाएगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है विद्युत बल का, F=Q×E, क्यू का मान तो अपने को दे रखा है, और ई का मान आप निकाल सकते हैं आउटसाइड वाला को रखना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, तो सिंपल सा है, उस ट्रिक को समझिए और सॉल्व करना।
अब समझना, आपको एक मैं आपको गॉस के नियम का एक छोटा सा पैटर्न बताता हूँ और उसके बेसिस पे एक सवाल है, यदि आपके पास प्रूफ है तो उसमें सवाल सॉल्व कीजिएगा और देखना है कि कैसे हम वैल्यू प्राप्त करते हैं। और ये सवाल जो है वो एक बार लैब असिस्टेंट का भी पेपर हुआ था उसमें भी आया था। तो क्या है तो देखना, जैसे मान लीजिए ये घन ले रहे हैं अपन, घनाकार बॉक्स, मान लीजिए यहाँ पे एक केंद्र है और इस केंद्र के ऊपर एक आवेश रखा गया Q, ठीक है। अब आप देखिए गॉस का नियम जब हम लागू करते हैं तो गॉस का नियम आपको पता होना चाहिए कि एक बंद पृष्ठ से संबद्ध होता है, ठीक है। अब आपको ये देखना है इसमें घन के अंदर कितने फलक होते हैं, कितने फेस होते हैं, ठीक है। तो कितने फलक आप देखिए, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ठीक है। एक रूम का आप देख सकते हो रूम को, उसके अंदर टोटल छह फलक होते हैं, एक दो फिर तीन और चार और एक पांच और छह ऊपर नीचे वाला, ठीक है। तो टोटल फलक हम जानते हैं वो होता है सिक्स फलक होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि किसी एक फलक से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। जैसे मैं बोल दूं कि इस फलक से, एक नंबर वाला जो फलक है उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा गॉस के नियम के अकॉर्डिंग, तो आप देखो सीधी सी बात समझ में आती है। गॉस का नियम जो कहता है, हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम देखते रहे। तो यहाँ तक Q आवेश दे रखा तो समेशन की जगह हम क्यू लिख देते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब आप देखिए इसका एक फलक, यानी टोटल फलक कितने हैं, छह है, छह इसके फेस है टोटल, तो एक दो तीन चार पांच छह। तो हर एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो प्रत्येक फलक से गुजरने वाला, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना हो जाएगा, इसका मान होगा, देखिए टोटल गुजरता क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो छह फेस है, इसको छह हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक फलक से गुजरने वाला कितना हो जाएगा, वन बाई सिक्स ऑफ टोटल पाई टोटल, ठीक है। तो आप देखिए वन अपॉन सिक्स है और इसका मान कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका ये आंसर हो जाएगा वन अपॉन सिक्स ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप एक्स्ट्रा में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि इसके कोर से कितना गुजरेगा, किसी एक कोर से, ठीक है, एक कोर से कितना गुजरेगा। तो आप देखिए इसके अंदर एक फलक के अंदर, वैसे तो हम देखें तो आप देखो कितनी कोर है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ठीक है। आप देख सकते हो कि प्रत्येक फलक के अंदर चार कोर होती है, कितनी कोर होती है, चार कोर होती है। तो आप देख सकते हो कि प्रत्येक फलक में चार कोर होती है और प्रत्येक फलक में हमने विद्युत फ्लक्स देखा था कितना होता है, क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट हुआ। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक कोर से, प्रत्येक कोर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, इसका मान होगा फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन फोर, तो है टोटल, है टोटल का मान तो आपको दे रखा है एक पूरे फलक का, ये होता है, ठीक है। और आपको पूछा जा रहा है कि एक कोर से, तो कितनी कोर बताइए आपको, चार होती है एक में, तो वन बाई फोर ऑफ फाइव एक फलक से, यानी कि वन फेस से होकर गुजरने वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसकी जगह वैल्यू रखिए तो वन अपॉन फोर इंटू ये हो जाएगा क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो क्यू अपॉन चौबीस एप्सिलॉन हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मान लीजिए हमने एक आपको बताया कि यहाँ पे मैंने बताया कि आवेश है टोटल कितना क्यू, मैं एक फलक से तो आपको बता दिया कि क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट है और एक कोर से गुजरने वाला है ये। अब मैं बोलूं कि इन दोनों फलक से कितना गुजरेगा, एक और दूसरे फलक से, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और जो भी सवाल आपको सॉल्व करने के लिए दे गए वो सॉल्व करने नोटबुक में भी, ठीक है। और आई होप आपको समझ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। बस आपको ये जरूर बताना है कि इन दोनों फलक से कितना गुजरेगा, मैं सबका नहीं पूछ रहा, केवल एक एक फलक का पूछ रहा हूँ, तो आपको चेक करके बताना है कितना मान आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।